नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों ये हीट पिलर है, ये है बाल्को कंपनी का। तो आज हम इसके रिपेयर करेंगे, इसकी देखते हैं क्या दिक्कत है। अगर इसका स्विच खराब है तो स्विच रिप्लेस करेंगे, और इसमें जो है हीट पिलर की रोड है, अगर वो भी खराब है तो उसको रिप्लेस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप ये अपने घर में, जैसे किसी का हीट पिलर है तो अपने घर में जो है रिप्लेस कर सकते हैं। वीडियो को ध्यान से देखना कैसे कैसे इसको रिप्लेस करते हैं, कैसे बदलते हैं और कैसे चेक करते हैं, तो जिससे जो आप अपने घर में बड़ी आसानी से इसको जो है रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों है तो बहुत लंबा, टेबल में भी नहीं आ रहा है, अब इसको रखने में दिक्कत हो रहा है, तो थोड़ा सामान डाल लेता हूँ अपना, उसके बाद रखते हैं इसको। दोस्तों पहले इसको जो है लगा के चेक करते हैं, इसमें क्या क्या काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो पहले इसकी रोड हम ये चेक कर लेंगे फ्री लैम्प से। पहले इसकी जाली खोलनी पड़ती है, जाली को ऐसे खींचना है दोस्तों पीछे, और इसको यहाँ से दबा के ऐसे आराम से खुल जाएगी। और ये इसकी रोड, तो रोड को सबसे पहले हम जो है खोल लेते हैं, खोल के चेक करेंगे इसको। आराम से खुल जाता है दोस्तों, ज़्यादा ताकत नहीं लगानी इसमें, नहीं कि ज़्यादा जोर लगाओगे दबाओगे तो इसकी पत्तियाँ मुड़ जाएंगी। तो इसकी एक साइड की हम नट खोलेंगे। ये तो ठीक लग रहा है दोस्तों, एक बार हम इसको मीटर से चेक कर लेते हैं। मीटर को या कंटिन्यूटी पे सेट कर लेंगे। कंटिन्यूटी है इसका मतलब हीटर रोड खराब हो गया दोस्तों। तो ये देखो रोड टूटी हुई थी, बीच से चिपक गई है, यानी कि बीच से ये जल गई थी, तो इसकी जगह हम दूसरी रिप्लेस करेंगे। चल इसको तो साइड में कर देते हैं। तो ये है इसकी, तो देखो दोस्तों रीडिंग दे रहा है, रेजिस्टेंस हो रहा है, इसका मतलब ये कॉइल हमारी ठीक है। तो इसको लगाएंगे हम, इसको आप भी अपने घर में बड़ी आसानी से जो है रिप्लेस कर सकते हैं। सबसे पहले इसकी हम जो है नट को टाइट कर लेंगे। दोस्तों हमने चेंज कर दी है इसकी दोनों रोड, एक तो साइड ठीक है इसकी, एक ही रोड चेंज करी हमने। तो देखा आपने किस तरह से मैंने इसकी रोड चेंज करी। इसी तरह आप भी जो है अपने घर में किसी हीट पिलर की रोड आराम से चेंज कर सकते हैं। अभी देखते हैं इसका दोनों रोड काम कर रही है, हमारे स्विच नहीं चेंज करेंगे।
फैन चल रहा है इसका मतलब दोस्तों हमारा पहला स्विच ठीक है और रोड भी गर्म होने लग रही है। देखते हैं जलती है नहीं जलती। ये देखो दोस्तों हीट होने लगी तो इसका मतलब हमारा स्विच ठीक है। अब इसका हम दूसरा स्विच ऑन करते हैं, दूसरा भी जलता नहीं जलता है। देखो दोस्तों दूसरी भी हमारी रेड होने लगी, हीट होने लगी, इसका मतलब स्विच इसका ठीक है। तो देखो दोस्तों अगर किसी के घर में हीट बिल रहा तो आप इसी तरह इसकी रोड चेंज कर सकते हो। अगर चैनल पर नहीं है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी नेक्स्ट वीडियो इसी की आएगी, हीट पिलर का स्विच हम कैसे चेंज करते हैं। तो चलिए तो थैंक यू दोस्तों। तो चलिए अब इसका हम ढक्कन बंद कर लेते हैं, जाली जो है तो जाली जैसे हमने निकाली थी इसी तरह एक साइड से लगा के इसको ऐसे और यहाँ बीच से उठाना है इसको ऊपर को और यहाँ से दबा के आराम से लग जाती है। ये देखो दोस्तों इस तरह जाली लग गई।